एक मतला, और कितने शेर सुनाऊंगा बताऊंगा नहीं, नहीं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि जहां से आपके अंदर थकान का एहसास होगा वहीं से मैं अपने इसमें से अशार की कटौती शुरू कर दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में बिजली कट रही है। हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए, पूरा तवज्जो चाहता हूं। मिश्रा सुन लीजिए, क्योंकि मैं मिश्रा अगर बता दूंगा तो फिर आपको भी सुनने में लुत्फ आएगा और मुझे पढ़ने में भी मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि आप फौरन काफी रदीफ पकड़ लेंगे और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाजिर करता हूं मिश्रा कि यह किसके लहजे में परवरदिगार बोलता है, खुदा के वास्ते मेरे साथ हो जाइए, ये किसके लहजे में परवरदिगार बोलता है, ये किसके लहजे में परवरदिगार बोलता है। अगर मतला आपने समझ लिया तो समझ लीजिएगा कि मीसम गोपालपुरी की मेहनत उसूल हो गई। हाजिर करता हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं जहां जहां हजरात हैं, कि उधर से अब समझे देर से, उधर से बुगजो अदावत का खार बोलता है। जियो जियो मौला सलामत, क्या बात है। उधर से गदीर जश्न गदीर मना रहे हैं ना, सुनिए, मुबारकबाद के मुस्तहक है वो लोग जिन्होंने दामे दिल में कदम सुखना हिस्सा लिया है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूं कि उधर से बुगजो अदावत का हार बोलता है। उधर से बुगजो अदावत का हार बोलता है, उधर से बुगजो इधर से नादे अली का हिसार वो मौला सलामत रखे, इधर से नादे अली का हिसार बोलता है, इधर से नादे अली का हिसार बोलता है। मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि किसी के रोकने से मिशन गोपालपुरी रुक भी नहीं सकता। माइक इतना अच्छा है, जो लोग कह रहे थे कि माइक खराब है, बिल्कुल माइक खराब नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। हाजिर करता हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं जहां तक सुनिए, फरमाए, इधर से इसलिए कि यह इंतजाम किसी और का नहीं है, यह इंतजाम मौलाइयों ने किया है, तो सब कुछ मौलाई है, माइक भी मौलाई है, लाइट भी मौलाई है, सुनने वाले भी मौलाई है। सुनिए कि इधर से बुगजो अदावत का खार बोलता है, इधर से नादे अली का हिसार बोलता है। आपने मूड बना दिया, खुदा की कसम, मेरे नहीं, आपने अपना मूड बनाया, आपके मूड से मेरा मूड बन गया। अब मुझे यहां से शेर पढ़ने दीजिए, अली के बाप को काफिर बताने वाले सुने, अल्लाह।
सार बोलता है, इधर से नादे अली का हिसार बोलता है, अली के बाप को तू सिर्फ तोन वाल सुने, अली के बाप को काफिर बताने वाले सुने, अभी भी तेरे अली का उधार वो अभी भी उधार बोलता है, तो ये महफिलों की सदाएं ये गूंज ना रोका, ये महफिलों की सदाएं ये गूंज ना रोका, गदीर खुम का अभी तक खुमार मिलके मिलके खुमार बो गदीरे खुम का अभी तक खुमार बोलता है, गदीरे खुम का अभी तक खुमार बोलता है। रसूल को मेराज हुई, आवाज़ हक आई, उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी, और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ। और जब रसूल करीब से करीब हो गए, रसूल को ऐसा लगा जैसे कि ये आवाज आवाज जानी पहचानी है, आवाज जानी पहचानी है, आवाज जानी पहचानी है। तकरार किया, फिर आवाज कंफर्म हो गए ये आवाज किसकी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी। क्या इशारा फरमाया, देखने की तमन्ना, जाहिर सी बात है देख तो सकते नहीं थे, बहरहाल खुदा ने उसको भी मंजूर किया। और उसके बदले में पर्दे गायब से एक हाथ बाहर आया, नबी ने अली के नबी ने उस हाथ को देखा। अब गौर से बात सुनिए, नबी ने उस हाथ को देखा, हाथ देखते ही पहचान गए, क्यों? क्योंकि नबी की दी हुई अंगूठी उस हाथ में थी, ध्यान में रखिएगा। और अब जब मुसहरी कहता है, हम कहते हैं कि खुदा ने अली के लहजे में बात की तो मुसलमान बिन्नाने लगता है, कैसी बात कर रहे हो, कुफ्र बक रहे हो, शिर्क बक रहे हो, खबरदार तौबा करो। मैं उन्हें मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, चलो मेरी बात छोड़ दो, तुम्ही बताओ तुम्ही बताओ, सदा सुन के उदनो मिन्ने की, मेरी बात छोड़ दो, तुम्ही बताओ सदा सुन के उदनो मिन्ने की, तुम्ही बताओ सदा सुन के उदनो मिन्ने की, तुम्ही बताओ सदा सुन के उदनो मिन्ने की, ये किसके लहजे में परवर दिगर। सुनो,
سناؤں شیخ سنیے یہ محفلوں کی صدائیں یہ گونج ناروں کا غدیر خم کا ابھی تک خمار وہ بس ایک شیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا آپ کے مزاج کا جیسا شیر آپ پسند کرتے ہیں پر رکھ کے نسلوں کو پرکھ کے نسل کو میں چھوڑتا نہیں ہرگز ادھر بھی تیاری شروع ہو گئی ہاں فتووں کی تیاری یہ شرک وہ بدعت ہاں گھر میں رہنا باہر نہ نکلنا ورنہ نگاہ پڑے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا حاضر کرتا ہوں شیر ملا فرمائے کرو تیاری میسن گوپال پوری سے شیر سنو کہ کسی بھی صورت میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم حاضر کرتا ہوں ملا فرمائے پوری توجہ چاہتا ہوں کہ نہ تنہا چھوڑ کے جائیں گے آپ کو مولا نہ تنہا چھوڑ کے جائیں گے آپ کو مولا حسین آپ کا ہر جان سار بولتا ہے حسین آپ کا ہر جان سار بولتا ہے زندہ باد نہیں نعرہ حیدری لگایا آپ نے نعرہ حیدری میں لگاؤں گا اور ایک بات سن لیجئے صرف کدوئی نگر تک نہیں مظفر نگر تک نہیں میرٹھ تک نہیں یہاں کی آواز عقیدے کے ساتھ عرش تک تو پہنچنی ہی پہنچنی ہے اس سے پہلے نجف پہنچنی ہے نجف کے علی کو آپ آواز دیں گے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ ہی تو با وفا قلم اٹھاتے ہیں نا آپ کہتے ہیں 1400 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ مولا کربلا میں ہم ہوتے تو غازی عباس کے شانے میں کٹنے دیتے پہلے ہم اپنے جو شانوں کو کٹاتے آپ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امت باب الحوائج پہ یہی سے علی کے نجف کے علی کو آواز دیجیے ہر جان سار بولتا ہے مکتا سن لیجیے حاضر کرتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ نہ تنہا چھوڑ کے جائیں گے آپ کو مولا حسین آپ کا ہر جان سار بولتا ہے مکتا سنیے گا بہت گہر بہت اچھا شعر مجھے پسند ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو پسند آئے گا اور آخر کے اس شعر پہ آپ اپنی دعا سے بھی سنگو پار پوری کو نواز دیں گے وہ لوگ بھی بولیں گے وہ لوگ بھی دعا دیں گے جنہوں نے اب تک داد نہ دی ہو ان کی خدمت میں بھی سنگو پار پوری پیش کرتا ہے کہ علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی خدا کے واسطے بالکل بیدار ہو جائیے کہ علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی وہ وقت چلا گیا وہ زمانہ لگ گیا کہ علی کہنے پہ زندہ دیواروں میں چولہا دیا جاتا تھا علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی کہاں چلے گئے قاتل یہ دار بول علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی کہا کسی کی جان نہ لیجئے پھر میں پڑھوا دوں گا تھوڑا سانس لینے دیجئے انہیں میں پھر پڑھوا دوں گا انہیں
थोड़ा पास आ चलो थोड़ा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहीं पढ़ा जाए। नारे हैदरी कि जो अपना रब्ते शहन शाहे करबला से करो। बेटा हुसैनी है दोस्तों, हम अली वाले हैं, हुसैन वाले। एक हुसैन वाले को, एक अली वाले को होना कैसा चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, मुलादा फरमाए। शायद चार मिसरों में बात बन गई हो कि जो अपना रब्ते शहर शाहे करबला से करो। जो अपना रब्ते शहनशाह करबला से करो, जो अपना रब्ते शहनशाह करबला से करो। वफाएं वफाएं करे का वादा शहे वफा। बहुत अच्छा मतलब है, वफाएं करे ने का वादा शहे वफा से करो। बसा लो बसालो दिल में शेर हुसैन को, लोगों चराग हाथ पे लो गुफ्तगु हवा से करो। भाई बहुत खूबसूरत शेर है भाई, वाह वाह वाह। चराग हाथ पे लो गुफ्तगु हवा से करो। किसी को फरमाइश सुन लीजिए, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं। चंद बोलेंगे, दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा, और इतना कमजोर शायर नहीं हूं कि कोई मुझे हटा देगा। जब तक पूरा मजमा साथ नहीं देता एक ही मिसरा पढ़ूंगा कि किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम किसी को जमाने के गम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को जमाने के गम लूटते हैं। हमें फिदक के लुटे